सिरसा से ये बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी का प्रदर्शन, सिरसा से इस वक्त ये खबर। अपनी मांगों को लेकर रोडवेज कर्मचारियों का जो प्रदर्शन है वो यहां देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि किलोमीटर स्कीम के तहत बसें चलाने का विरोध रोडवेज के कर्मचारी कर रहे हैं और सिरसा डिपो पर 2 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन दिया है। हालांकि पहले ही वो ऐलान कर चुके हैं कि वो प्रदेश भर में 2-2 घंटे का सांकेतिक जो इनका धरना है वो देंगे। तो सिरसा में भी कुछ यही देखने को मिला, बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सिरसा से ही, जहां पर रोडवेज कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। निजी बसों को लाने को लेकर विरोध है इनका। इन्होंने कहा कि इस वजह से इनको काफी नुकसान होगा और सरकार निजी हाथों में रोडवेज को सौंपना चाह रही है, जो कि घाटे का सौदा होगा। इसी वजह से सांकेतिक प्रदर्शन सिरसा के डिपो पर 2 घंटे तक इन कर्मचारियों ने किया है और साथ में ये भी चेतावनी दे दी है, ये भी ऐलान कर दिया है कि प्रदेश भर में किलोमीटर स्कीम का विरोध ये लोग करेंगे और इस विरोध के चलते ये अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, किलोमीटर स्कीम के तहत बसें चलाने का विरोध इनकी तरफ से किया जाएगा। तो सिरसा डिपो पर 2 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन दे चुके हैं ये और प्रदेश भर में किलोमीटर स्कीम का डटकर विरोध भी करेंगे। तो सिरसा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी का प्रदर्शन और उसी से जुड़ी ये खबर। संवाददाता अमित तिवाड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, प्रदेश भर में ऐलान हो चुका है रोडवेज के कर्मचारियों की तरफ से कि सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा, सिरसा में क्या कुछ देखने को मिला? अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। अमित, हरियाणा रोडवेज तालमेल कमेटी के प्रदर्शन को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी, आज रोडवेज तालमेल कमेटी के आह्वान पर जो है सिरसा में प्रदर्शन किया गया, 2 घंटे का ये सांकेतिक प्रदर्शन था। और सबसे बड़ी बात जो यह थी कि जो किलोमीटर स्कीम के तहत बसें शुरू की गई है गुरुग्राम से, और इसके अलावा 8 जनवरी को जो हड़ताल रखी गई है उसको लेकर आज सांकेतिक प्रदर्शन जो किया गया था रोडवेज कर्मचारियों का। उनका कहना है कि सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो इस प्रकार का जो आंदोलन बड़ा चलाया जाएगा जैसे पहले चलाया गया था। अब आज का जो सांकेतिक प्रदर्शन था उसकी ओर से प्रदर्शन कर्मचारियों ने यही संकेत देने की कोशिश की कि सरकार उनकी मांगे मान ले। जी ठीक है। अब इसके अलावा अमित, क्या कुछ आगे रणनीति भी रहने वाली है, कुछ बताया कर्मचारियों ने? जी, फिलहाल उनका कहना है कि जो किलोमीटर स्कीम है वो सीधे सीधे कर्मचारी विरोधी स्कीम है और इसमें जनता का भी कोई भला नहीं है। ऐसे में कर्मचारी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। आज केवल सांकेतिक प्रदर्शन था, आगे आंदोलन तेज कर दिया जाएगा अगर सरकार ने इसी तरह से इस स्कीम को पूरे हरियाणा में लागू करने का काम किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सिरसा डिपो पर 2 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन दिया है रोडवेज के कर्मचारियों ने।